അയോധ്യ ക്ഷേത്രം യാഥാർത്ഥ്യമായതിൽ അതിയായ സന്തോഷം മുഖ്യപൂജാരി ആചാര്യ സത്യേന്ദ്രദാസിന്. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ പരിശ്രമമാണ് വിജയം കാണുന്നത്. പ്രതിഷ്ഠയിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വിട്ടു നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. രാമനെ മറക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും സത്യേന്ദ്രദാസ് ഈശ്വര ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ബഹുത് അച്ഛി ബാത്ത് പ്രാണപതി വിഷ്ഠാരാം ഹോ ജാഗി ഓ മന്ദിർ ബൻ ഗയാ ഹൈ ഭവന്തി മന്ദിർ ഉസ്കാ ജോ ഗർഭഗൃഹ ബൻ ഗയാ ഹൈ യോഗി ജി കാ ഇത്ന പരിശ്രമം നാ ഹോതാ തോ ഇസ്കേ പഹലേ ഭീ കുഛ പൈഗ ജാതേ തേ ജബ് കല്യാൺ സിംഗ് യഹാ മുഖ്യമന്ത്രി തേ ലേക്കിൻ കുഛ കാര്യ നഹീ ഹുവാ ലേക്കിൻ ഇൻഹോനെ ഇസ് പ്രകാർ സേ കിയാ ജിത്നേ ഭീ പ്രോജക്ട് കിയേ ജോ പൈസേ ആയേ ഓ ഉചിത് ഢംഗ് സേ ഉസ്കാ ഖർച്ച് ഹുവാ. और पहले कागज में होता था, अब धरातल में है. इतना ही अंतर है. और इतना परिश्रम करने वाला कोई भी मुख्यमंत्री किसी क्षेत्र के लिए नहीं हो सकता जैसा ही करते हैं. विपक्ष सब होशियार हैं, सब जानते हैं, लेकिन उसमें अंतर यह है कि ये प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं वो जनता जिसे वोट मिलता है उसको प्रभावित करते हैं, उनका कल्याण करते हैं, पैकेज दे दें किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी प्रकार से कई ऐसे कार्य हैं जो किसानों के लिए और जनता के लिए हितकारी है. और ये लोग केवल प्रधानमंत्री का आलोचना करो, इनकी बुराई जब समाज में जाएगी तो इनको लोग नकार देंगे. और वो लोग जो जनता है वो नहीं को नकार रही है और इनको मान रही है. तो इसलिए जहाँ पर कृपा राम के हुई ता पर कृपा करे सबको. उससे तो हमने खंडन किया और हमने कहा इसका जांच हो, क्योंकि मूर्ति जो वहीं जो बनी है मूर्ति यहाँ वहीं से किसी ने ले लिया है. और उसके विधान यह है कि ढकी रहेगी मूर्ति, और तब तक ढकी रहेगी तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाता. प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में तब उसको खोला जाता, पट्टी खोली जाती है, शीशा लगाया जाता है, काजल लगाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, ये सब तब की है. लेकिन ऐसा नहीं, पहले आ गया, ये गलत हुआ. उसको सभी को ये है कि ये ही कैसे लीक हो गया, वो गलत हुआ है. हमने तो मांग किया है कि इसका जांच हो कैसे हो गया. भक्तों के लिए कहते हैं कि भगवान राम की यह प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद विराजमान होगी, तो ध्यान रखें कि जब भगवान का राम राज रहा, राम राज के लिए सब लोग कहते हैं कि राम राज नहीं, उस किस राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर का हुसन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म सुनहि श्रुत नीति, बैर न कर का हुसन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई. इस प्रकार के अब आने वाला है. जैया कल राम लला जब अपने मूल मंदिर जो है गर्भगृह स्थापित हो जाएंगे, तभी इसी प्रकार के देश में शांति और खुशहाली होगा.